हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में, यूनिक ब्लॉगर निधि के ब्लॉग्स में। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे अपने जीवन में। तो यहाँ पे हम सभी उठ चुके हैं और मैं नहा चुकी हूँ अपने काम ख़त्म करके, और अब गैस्ट्री भी नहाएंगी आज हम सब, क्योंकि आज मेरा रक्षाबंधन है। आप सोच रहे होंगे इतना सुबह सुबह क्या कर रही हूँ, तो आज मेरा रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन हम लोग के यहाँ जो द्विज को होता है, तो ये रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग है जैसे कि आपने देखा है। तो यहाँ पे मैं आज उसमें जा रही हूँ, और मंदिर जाने के बाद हम पहले भगवान को राखी बांधते हैं। तो इसलिए मैंने गणेश जी के लिए राखी रखी हुई है, माता पार्वती जी के लिए सिंदूर, सुहागिनों को, और ये मेरा गंगा जल है। तैयार है, ऐसे करो। यहाँ यशी जाने के लिए तैयार है मंदिर, चलो जाओ। तो यहाँ पे मेरा मसाला तैयार हो चुका है, तो यहाँ पे मेरा मटर का छोला तैयार है, यशी के लिए हलवा तैयार है, और अब यहाँ पे आलू मेरे छिल चुके हैं कचौड़ी के लिए। तो अब इसे इसका मैं जो भी कहते हैं भरता बनाऊँगी। आहा, तो यहाँ पे गृहिणी के लिए और त्यौहार अगर पड़ जाए सुबह सुबह, मतलब त्यौहार में तो सुबह सुबह इतना काम हो जाता है, लगता है कि दो हाथ कम पड़ जाते हैं। अगर दो हाथ हमारे पास और होते तो कितना ही अच्छा होता। और इसी तरीके से सच में बताऊँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि 24 घंटे ही क्यों बने दिन में, 48 घंटे क्यों नहीं दिए भगवान ने। और मुझे लगता है ना, शादी के बाद लड़कियों की ना एक कहते हैं ना छिपी हुई एक शक्ति जागृत हो जानी चाहिए, जिसमें उनकी दो चार आँखें और आठ हाथ होने चाहिए, ताकि वो अपने पूरे घर का काम जल्दी जल्दी निपटा सके और हर तरफ अच्छे से ध्यान दे सके। तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कभी कभी लगता है कि यार क्या ही ज़िंदगी है, कि रोज़ का वही किचन और खाना, और वही दिन सुबह का। लोगों को सुबह सुबह आँख खुलती है वो पेपर देखते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, यहाँ मेरी सुबह सुबह आँख खुलती है तो सीधे किचन ही दिखता है कि किचन, बस आओ चलो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, नहीं तो लेट ना हो जाए कहीं। तो कोई नहीं, यहाँ पे मैं स्टिंग बनाऊँगी आज आलू का भरते कचौड़ी, पूड़ी, खीर और रायता। और यहाँ पे छोला मेरे तैयार है, ये मुझे लगाया नहीं है, और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। होता है ना ऐसे, आप भूखे रह लेते हो तो आपको भूख नहीं लगती है, लेकिन जब आपको फास्ट है ना होता है स्पेशली, तब आपको लग रहा है भूख लग रही है। तो मेरा भी यही हाल है, अभी मैं तैयार होकर बैठी हूँ, और अभी तक लेकिन ये लोग आए नहीं है। मैंने फ़ोन भी किया तो बोला आ रहे हैं, बट अभी तक फिर भी नहीं आए। तो चलिए करते हैं इंतज़ार, और क्या ही कर सकते हैं, आज भाइयों का दिन है तो उन्होंने लग रही है। तो यहाँ पे फाइनली यशी के मामा आ चुके हैं, और यशी के लिए लाए चॉकलेट, और ये मेरी थाली तैयार है राखी की। तो अब बस हम जा रहे हैं राखी बांधने, मेरा इंतज़ार हो गया कदम। और यहाँ पे देखिए यशी ने कैसे अपने मामा के साथ ढेर सारी मस्ती की, और ये बहुत खुश होती हैं जब आते हैं इनके मामा। तो फ्रेंड्स, पहचान लेती है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मार 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 मार